हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपर्णा वंडर वर्ल्ड। और आज हम बहुत यूनिक डेजर्ट बनाएंगे जो है वर्मीसिली ड्राई फ्रूट बास्केट। तो वर्मीसिली या सेवैयाँ, उसकी हम कटोरियाँ बनाएंगे, बास्केट्स छोटे छोटे, और उसमें हम फिल करेंगे ड्राई फ्रूट्स। वैसे इसके अंदर फिलिंग आप कोई भी भर के बना सकते हैं, जैसे आप इसमें कस्टर्ड फिल कर सकते हैं, आइसक्रीम फिल कर सकते हैं, या रबड़ी फिल कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये रबड़ी फिल करके मैंने बनाया था बहुत पहले, तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, बहुत औसम आता है। लेकिन आज हम जो है वो ड्राई फ्रूट्स फिल करके बनाने वाले हैं। तो चलिए बनाते हैं हमारी वर्मीसिली ड्राई फ्रूट बास्केट। इंग्रेडिएंट्स देखते हैं हम अपने वर्मीसिली ड्राई फ्रूट्स बास्केट और डेजर्ट के। वर्मीसिली लेंगे सेवैयाँ 1.5 कप, घी क्लेरिफाइड बटर 2/3 कप, तो आप इस घी की जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं। डेसिकेटेड कोकोनट 1/2 कप, कंडेंस मिल्क 1 टिन फुल लेंगे, यानी 300 ml है ये, ओके। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। देन कैशो, ये हम लेंगे काजू 1/4 कप, मैंने इनको चॉप कर लिया रैंडमली। देन बादाम लेंगे, आलमंड्स, ये भी 1/4 कप है, इनको भी चॉप कर लिया है। देन पिस्ताचो, ये भी 1/4 कप है, इन्हें भी कट कर लिया है। कार्डमम पाउडर 1 टीस्पून, खसखस पॉपी सीड 1/2 टीस्पून, रेड चेरी, तो ये डेकोरेशन के लिए है, ऑप्शनल है। गोल्डन स्पार्कल लेंगे हम, ये भी डेकोरेशन के लिए ऑप्शनल है। एंड पर्ल गोल्डन एंड वाइट पर्ल, तो ये भी डेकोरेशन के लिए लिया है, ऑप्शनल है। फिर मैं बता दूं कि हमने बास्केट्स या कटोरियां बनाने के लिए मैंने ये लिया है कपकेक जो सेट टिन है उसमें हम बनाएंगे। तो इसमें आप कपकेक केस भी ले सकते हैं इस तरह से, एंड जिनके पास केस नहीं है वो ऐसे प्लास्टिक रैप भी लगा के हम इसे ये भी यूज़ करेंगे। और जिनके पास अगर ये भी नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो आप घर में कटोरियाँ होती हैं, छोटी छोटी कटोरियाँ होती हैं, उनमें भी आप सेट कर सकते हैं। तो मैंने दोनों चीज़ें इसलिए रखी हुई है कि मैं दोनों तरीक़ों से बता सकूं, ओके, बनाने का। तो हम आज कपकेक केस भी यूज़ कर रहे हैं एंड प्लास्टिक रैप भी यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं वर्मीसिली ड्राई फ्रूट बास्केट। पैन लेंगे, ओके, और इसमें हम ये घी डालेंगे, 3 टीस्पून में घी डाल रही हूँ। गैस ऑन कर दिया है हमने, ओके, मीडियम फ्लेम में घी मेल्ट होने देते हैं। तो घी की जगह आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। और अब इसमें हम ये सेवैयाँ वर्मीसिली डाल रहे हैं। और फ्लेम मैंने मीडियम से लो रखी है, और इसको अच्छे से भूनेंगे अब। तो मैंने नॉर्मल वाली वर्मीसिली ली है, आप चाहें तो पतली वाली सेवैयाँ आती हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए हल्की सी रोस्ट होना स्टार्ट हो गई है, और रोस्टेड वर्मीसिली भी आती है, रोस्टेड सेवैयाँ वो भी आती हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि उनको थोड़ी देर के लिए, भले ही कुछ सेकेंड्स के लिए, 1/2 मिनट के लिए आप उसको घी में अच्छे से भून लें उनको, तो एक फ्रेशनेस, मतलब फ्रेश जो घी में भुनी हुई, उस डेजर्ट का टेस्ट अलग ही आएगा। तो भले ही वो रोस्टेड है, फिर भी थोड़ी देर आप उसको घी में या बटर में भून लें तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। कलर चेंज हो रहा है, अच्छे से भून रही है, ये रोस्ट हो रही है। देखिए हमारी सेवैयाँ बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई हैं, और इस पॉइंट में अब हम इसमें कार्डमम पाउडर डालेंगे, ओके। तो जितना मैंने रखा है उससे 1/2 इसमें डालूंगी, एंड 1/2 हम ड्राई फ्रूट्स का जो फिलिंग बनाएंगे उसमें डालेंगे, ठीक है। एंड देन फिर हम ये डालेंगे पाउडर्ड शुगर, तो ये भी ऑप्शनल है, एक्चुअली थोड़ा मीठा करने के लिए मैं डाल रही हूँ, अगर आपको नहीं डालना है तो इट्स ओके, क्योंकि ऑलरेडी हम कंडेंस मिल्क डाल रहे हैं। मिक्स करते हैं, एंड इसमें थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट भी हम डाल रहे हैं, मिक्स करते हैं अच्छे से। एंड देन इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क, तो ये 1/2 टिन मैं इसमें डाल रही हूँ। तो ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, अब इसको सेट करेंगे। तो देखिए हमारी वर्मीसिली हो गई है, और इसको हम इनमें सेट करेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा ही डाल रही हूँ, अब
बीच में ऐसे कटोरी जैसे बनाएंगे, बास्केट की तरह शेप देंगे इन्हें। ओके, तो हल्के से चारों ओर से ऐसे प्रेस करते हुए इसके बास्केट का शेप दे रहे हैं हम। ठीक है, इसी तरह इसमें भर रहे हैं हम। ओके, इस तरह से मैं सब में फिल कर लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। तो देखिए, इस तरह से हमने सारे मोल्ड्स फिल कर लिए हैं दोनों तरीके से। ओके, तो अब इसको सेट होने के लिए रखेंगे और इसकी फिलिंग बनाएंगे अब। तो चलिए अब अंदर की फिलिंग रेडी करते हैं। इसके लिए एक पैन लिया है मैंने, उसमें हम डालेंगे ये घी। गैस ऑन कर दी है और अब इसमें हम डाल रहे हैं ये काजू और इनको अच्छे से भुनेंगे घी में। अच्छे से भुन रहे हैं अभी हमारे काजू स्लोली। तो देखिए, कुछ मिनट में हमारे काजू अच्छे से भुन गए हैं। इसको मैं इस बाउल में निकाल लेती हूँ। अगेन इसमें हम घी डाल रहे हैं, अब इसमें बादाम भुनेंगे और साथ में पिस्ता भी डाल रही हूँ। ये भी अच्छे से भुनेंगे। देखिए, दोनों चीज़ अच्छे से भुन गई। अब इसमें हम डाल रहे हैं ये खसखस, फिर मिक्स करते हैं अच्छे से। कुछ सेकंड्स भूनने देते हैं खसखस को भी और फिर इसमें अब डाल रहे हैं हम ये डेसिकेटेड कोकोनट। गैस करते हैं बंद। एंड ये इस काजू के साथ में मिक्स कर रही हूँ इसी बाउल में, सेम बाउल में हम निकाल रहे हैं। ये देखिए, इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, देन डालेंगे कार्डमम पाउडर एंड ये शुगर पाउडर। मिक्स करते हैं अच्छे से और अब हम इसमें हम डालेंगे कंडेंस मिल्क। ओके, तो इसको थोड़ा सा स्टिकी सा ही रखना है हमें फिल करने के लिए। तो हमारी फिलिंग रेडी हो गई है। चलिए, हमारी फिलिंग भी रेडी है एंड हमारी कटोरियाँ भी सेट हो गई है। तो इनको निकालते हैं, देखते हैं निकाल के। हाँ, ये देखिए इस तरह से कितनी अच्छे से निकल गई है। सुपर, ये देखिए बहुत अच्छे से निकल रही हैं ऐसे। ये देखिए कटोरी, ये भी देखते हैं निकाल के। वाह, अच्छे से निकल गई। इसे भी यहाँ रखते हैं। तो अगर कंपेयर करें तो कप केक्स केस में और ये जो हम पॉलीथीन लगाए थे उन दोनों में अगर कंपेयर करें तो पॉलीथीन वाली जो है प्लास्टिक रैप जो है वो बहुत जल्दी निकली हैं, बहुत अच्छे से क्लीन निकली हैं। ये भी क्लीन निकल रही हैं पर ये हल्का सा नीचे जैसे निकालने में हल्का सा थोड़ा सा मेहनत उससे ज़्यादा लग रही है, बट ये फिर भी ये भी अच्छे से निकल रही हैं। और अगर आपको ये सर्व करना है या गेस्ट को देना है या फिर या एज अ गिफ्ट पैक करके देना है तो उस केस में आप इसको हल्का सा ऐसे लूजन अप कर सकते हैं एंड आप इसी में रख सकते हैं, पूरा डेकोरेट कर लीजिए एंड देन यू कैन सर्व। ऐसे आप सर्व कर सकते हैं। ठीक, तो मैं ऐसे सारे निकाल लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो देखिए, इस तरह से हमने अपनी बास्केट्स रेडी कर ली हैं। ओके, और अब इसमें हमने जो ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर जो बनाया था थोड़ा सा स्टिकी ही बनाना है हमको। फिर
ये इसमें फिल करेंगे आप। तो मैं थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और ये बास्केट में फिल कर रहे हैं। तो मैं सारों में फिल कर लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए हमने सब में फिल कर लिया। अब हम इन्हें डेकोरेट करेंगे, और डेकोरेट आप बहुत से तरीक़ों से कर सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट स्प्रिंकल कर रही हूँ। एंड देन इसमें ये पिस्ताचियो, देन फिर हमारे पास चेरीज हैं। तो मैं तो मैं इनको हाफ स्लिट करके रख रही हूँ, इस तरह से मैं इनको हाफ स्लिट करके रख रही हूँ। तो मैं सब में चेरीज रख लेती हूँ, फिर आगे डेकोरेट करेंगे। ठीक है, चेरीज हो गई। फिर देन ये मैंने पर्ल्स रखे हुए थे, तो ये भी हम इसमें सजा देते हैं। ये तो ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको डेकोरेट करना है तो करें। ओके, मुझे अच्छा लगता है, पर्ल्स में हर जगह यूज़ करती हूँ। एनी गोल्डन स्पार्कल भी है, ये भी हम थोड़ा सा डालेंगे। तो ये गोल्डन स्पार्कल भी मैं इसमें डालूँगी। तो डेकोरेशन तो आप अपने मर्ज़ी से कैसे भी कर सकते हैं। जैसे ये चेरीज हैं, मैंने रेड यूज़ किए, आप कलरफुल चेरीज भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, वर्मिसिली ड्राई फ्रूट बास्केट, ये देखिए पास है, सुपर्ब, सारे ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर फिल किए हैं। देखिए साइड से, ये है वर्मीसिली ड्राई फ्रूट बास्केट। लेकिन मैं पहले भी स्टार्टिंग में बताया है मैंने कि देखिए मैं रबड़ी भर के भी बनाई थी, और आप इसमें आइसक्रीम भी भर सकते हैं, पुडिंग भी भर सकते हैं, और इस बार हमने ड्राई फ्रूट्स फिल किए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।